हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरिफ भाई और सारस के बीच का कहानी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, उनको एक सारस मिला था, उनको खेत में घायल हालत में मिला था दोस्तों, लेकिन उन्होंने अच्छा से उसको घर पे लाके फिर उसको ट्रीटमेंट करके इलाज करके उसको पैर सही होने के बाद उन लोग का दोस्ती काफ़ी अच्छा हो गया। एक ही थाल में खाना, साथ में सोना, साथ में नहाना, बहुत कुछ होने के बाद वो बहुत कुछ वायरल भी हो गया, लेकिन काफ़ी दूरी बना दिया है क्योंकि फिर जंगल के जो है प्रशासन वाले आके फिर सारस को ले गए। और अभी हमारा गुरुजी टेक चैंपियन सपोर्ट अभी कानपुर जीव में एक हफ्ते पहले गए हैं कि सारस किस हालत में, लेकिन टेक चैंपियन सपोर्ट यूट्यूब वाले बाबा वहाँ पे गए हैं और वो क्या क्या वहाँ पे कर रहे हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जलन हो गया, जलन होने के बाद नज़र लग गया। लोकेशन में बैठा हूँ, आपको मैं बाद में ये लोकेशन सब दिखाने वाला हूँ, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। चलिए दोस्तों, अभी करते वीडियो का शुरू। मैं बहुत अच्छा। और ये देखिए आरिफ का सारस, किससे पूछते हैं आरिफ कहाँ है और कैसे बिछड़ रहा है। और भैया कैसे हैं आप, नमस्ते, हाय। इधर इधर देखो, नाच रहा है, हमको देखते ही नाचने लगा, लगता हमसे भी प्रेम करने लगा है। भैया आ गए हम, यही वो जगह है जहाँ सारस को रखा गया है। यहाँ एक सारस नहीं है, देखिए एक दो तीन और भी हैं। आज अब यूट्यूब वाले बाबा वहां पर हैं जहां पर सारस का नया पता है। राबरी से लेकर उनको यहाँ कानपुर में रखा गया था, देख सकते हैं कानपुर प्राणी उद्योग, ठीक है। तो यहाँ पर आए हुए हम और आपको उसकी रियल में क्या सिचुएशन है, क्योंकि पता चला है कि जो सारस है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। दो दिन से वो खाना नहीं खा रहा था और मैं इस चीज़ के बहुत पीछे लगा हूँ क्योंकि आरिफ और सारस को नहीं खा रहा था। ये वही जगह है सारस को रखा गया है, कानपुर का जीव में रखा है दोस्तों। और वहाँ पे पार्क यूट्यूब वाले बाबा वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे एक नहीं तीन तीन चार चार सारस है दोस्तों। और सारस का थोड़ा तबीयत खराब हो गया है और वो दो दिन से खाना भी बराबर से नहीं खा रहा है। इसके लिए आगे जो भी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एक हफ्ता पहले अखिलेश जी और वहाँ पे मिलने के लिए गए थे, लेकिन ये पॉलिटिशियन के वजह से ये दोनों के लिए जुदा कर दिया है। लेकिन यूट्यूब वाला बाबा ये दोनों को मिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो एरिया में सारस को रखा गया है वो एरिया में यूट्यूब वाले बाबा गए हैं, वहाँ का लोकेशन आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत जगह है। लेकिन एक बात है, वहाँ पे उन्होंने अलग करके अच्छा नहीं किया, ये पॉलिटिशियन की वजह से हुआ है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को मिलाने के लिए। बहुत ही शुरुआत से वीडियो बना रहा हूँ तो उसकी सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, है कि नहीं। चलिए फाइनली गाइस, हम लोग उस लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पर सारस को रखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर वो फाइनली अंदर जा चुके, गेट के अंदर जा चुके। आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर उस सारस को रखा गया है। देखिए यहाँ पर साफ साफ क्लिप में यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोकेशन भी दी गई है, यहाँ पर डायरेक्शन भी दिया गया है कि सारस उत्तर प्रदेश का राक्षस पक्षी है, विश्व का सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। सारस के बारे में विशेषता बताई गई है जो कि शायद आप ये लिखित में जानते हैं, जो कि हकीकत में कुछ और है। पता है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ सारस उत्तर प्रदेश का राज पक्षी है, विश्व का सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है, विश्व लोकेशन भी दिया है जहाँ पे रखा है, लोकेशन वाला दिया है और वहाँ पे केवल भारतीय उपमहाद्वीप भी लगाया है, वहाँ पे सब डिटेल में लिखा गया है, उपमहाद्वीप में पाने जाने वाला है। और यूट्यूब वाले बाबा वहाँ पे सब लोकेशन के और सारस यूपी का देश में सबसे राष्ट्रीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश के बारे में सब लिखा गया है वहाँ पे। और पंछी में सारा खूबसूरत पंछी भी वहाँ पे ऐसा लिखा गया है, वहाँ पे बता रहे हैं। तो आपको बताया कहाँ मिला हुआ है, अमेठी में। तो कि जिसकी जानकारी मैं आपको देने वाला, सामान्यता है खुले खेतों, झीलों व जल भराव वाले क्षेत्रों में पाया जाने वाला पक्षी है। चलिए ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के 4 में सम्मिलित है। इसी के तहत आरिफ को एक मुकदमा दर्ज किया जाता है उसके नाम का, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। बात समझ रहे हैं आप यहाँ पर सारस पक्षी की। और अब हम यहाँ पर आपको यूट्यूब वाले बाबा दिखाएंगे जो सारस लाया गया था, जिसकी कहानी इंडिया में नहीं देश विदेशों में चर्चित है, जो कि दोस्ती की एक मिसाल थी, जिसको तोड़ने का काम हमारे योगी जी की तरफ से किया गया था। आरिफ भाई को वहाँ पे एक मुकदमा में योगी की सरकार किया जाता है और हमने मुद्दा उठाया था, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया था। यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब वाले बाबा आगे दिखाने वाले, क्या ये उनके दोस्त है या फिर आरिफ का ही सारस है,
तो प्रेजेंट टाइम में आप देख कहानी देख खाली इंडिया में नहीं सारस है जो पूरा ओल्ड आपको देखने में वैसा लगेगा अंदर, लुक वाइज उस दोस्ती का सारी चीजें वही सब दोस्ती के बारे में सब बताया गया है वो जो प्यार में जानते हैं वो शायद आरिफ सारस के अंदर नहीं है कहानी क्योंकि जिस सारस को आरिफ ने मरते हुए बचाया था आपको पता है पूरे सोशल मीडिया में तहलका मचा हुआ था देख सकते हैं वाले बाबा सारस को दिखा रहे हैं वाले सारस हर एक सोशल मीडिया में कवर की गई और आज आपके सामने ये प्रेजेंट टाइम में ये जो सारस आप देख पा रहे होंगे ये तो वैसा नहीं है क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था देख सकते हैं कौन सा पैर टूटा हुआ था मेरे हिसाब से लेफ्ट साइड वाला अगर मैं जिस हिसाब से खड़ा हूँ लेफ्ट साइड वाला वो तो प्रेजेंट टाइम में नहीं है क्योंकि उसकी जो न्यूज़ आपको पता होगी कि वो दो दिन से भोजन नहीं कर रहा था क्योंकि वो आरिफ से जुदा था दो दिन से भोजन नहीं कर रहा था और जब कल अखिलेश जी आरिफ भाई के साथ खुद आए बता आपको पता है आरिफ का चैनल मैंने बनाया वो यूट्यूब से पैसा कमा रहा है सारी जानकारी मैंने दी यूट्यूब वाले बाबा दिखा रहे लेफ्ट साइड का उसका पैर टूटा था और आरिफ भाई ने उसको लाके ट्रीटमेंट चालू करके इलाज करके बहुत अच्छी तरह से उसे उन्होंने रखा और इतना अच्छा दोस्ती हो गया कि दुनिया देखते रह गए और नजर भी लग गया दोस्तों और फिर उनको मिलने नहीं दिया जाता ये तानाशाही और यूट्यूब वाले बाबा ने आरिफ भाई का चैनल भी बना के दिया लोगों तो आए हर जगह मुद्दा उठ रहा है न्यूज वाले आए थे बहुत लोग आए थे लेकिन अपनी व्यूज के लिए आए थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने उनका चैनल भी खोल के दिया अभी उनका पैसा भी आने लग गया है जिससे लोगों को हानि हो रही है लोगों की मृत्यु हो रही है एक्सीडेंट हो रहे हैं लेकिन एक पक्षी के पीछे अगर मुलायम सिंह के जो बेटे हैं जो कि अखिलेश यादव जी अगर मिलने आते हैं एक सारस से मिलने आ जाते हैं जो कि आरिफ का दोस्त था वो कहानी को लोगों के सामने रखना चाहते हैं और फिर क्या होता है आप जान सकते हैं कि क्वालिटिक्स का गेम खेला जाता है और आरिफ से सारा छीन लिया जाता है और उसको कहाँ रखा जाता है पहले रायबरेली में रखा जाता है देन इसके बाद उसको वहाँ से शिफ्ट किया जाता है यूपी 32 की गाड़ी से कि उसको ले जाया जा रहा है यूपी 32 मतलब लखनऊ लेकिन दिखाने में कुछ और होते हैं और छलावा कुछ और दिया जाता है आरिफ भाई और हम पूरे लखनऊ में छानते हैं और आरिफ भाई से सारस को छीना जाता है ये सब पॉलिटिक्स के वजह से हुआ है लेकिन ये जो कर रहे यूट्यूब वाले बाबा की ये दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो यूपी 78 लाया जाता है कानपुर में चोरी छुपके से आप भी जरूर सपोर्ट करें क्योंकि जल्दी से जल्दी आरिफ भाई को सारस आपस मिल जाए तो आप समझिए यहाँ पर किस तरीके से उसके साथ जाजिशी की जा रही है पॉलिटिक्स गेम खेला जा रहा है आखिर एक पक्षी को लेकर ऐसा क्यों किया जा रहा है हमें तो समझ में नहीं आ रहा है बाकी अभी और देखते कोशिश करते हैं यहाँ पर पक्षी लोक है और बहुत सारे पक्षी आपको देखने को मिले जो कि सारस मैंने आपको दिखाया और भी दिखाते हैं कि और भी सारस होंगे यहाँ पर चलिए और भी दिखा देते हैं आपको इनसे पूछते हैं चलिए सारस से यार हम खुद दोस्ती बनाएंगे मित्रता बनाएंगे यूट्यूब वाले बाबा सारस से दोस्ती बनाएंगे और ये देखिए आरिफ का सारस इससे पूछते हैं आरिफ कहाँ है और कैसे बिछड़ रहा है और भैया कैसे हैं आप नमस्ते हाय इधर इधर देखो नाच रहा है हमको देखते ही नाचने लगा अब देख सकते हैं यूट्यूब वाले बाबा सारस के करीब पहुंच चुके हैं वहाँ पे जाली लगाया है और बाहर से वो बता रहे करने लगा इसको भी जब्त कर लो और यूट्यूब वाले बाबा को भी भैया नोटिस और पास में थोड़ा तालाब जैसा भी है थोड़ा पानी वानी है वहाँ पे तालाब जैसे बनाया गया है और वहाँ पे सारस इधर हेलो हेलो ये देखो और ये जो किया है वन विभाग के टीम के वजह से हुआ है वो ऐसा नहीं है इस तरीके से पिंजरे में बैन कैद करके जिस तरीके से आज रखा गया है देख सकते हैं चारों तरफ कैद है वो इससे पहले आज से 10 दिन पहले चारों बाजू से पिंजरे में कैद करके रखा है और वो प्यार से मोहब्बत से आरिफ के साथ रह रहा था हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो कि देखने आए हुए हैं भाई साहब कैसे हैं आप क्या नाम है सर आपका मोहम्मद महफूज चलिए मोहम्मद महफूज जी से बात करते हैं और ये भी उसी कौम से जुड़े हुए हैं इनसे बात करते हैं क्या सर अगर आपको आरिफ की सारस की दोस्ती की कहानी आपने सुनी है ना आगे चल के मान लो कभी भी फ्यूचर में आपको जंगल में आप जाते हैं और ये सारस पक्षी जो हमारा क्या नाम है राष्ट्रीय पक्षी है अगर ये आपको राजकीय पक्षी है सॉरी माफी चाहूंगा अगर ये आपको मिल जाता है किसी भी हालत में मान लीजिए वो चलने की हालत में खाने पीने की हालत में नहीं है और अगर आप वहाँ पर उस पक्षी को लेकर आप क्या उसकी आप मदद करना चाहेंगे करेंगे आप एक इंसान नमस्ते आज भी मदद करेंगे आप आदमी एक इंसान लेकिन आपको पता है एक इंसान ने आरिफ ने मदद की थी किसकी सारस की साथ एक साल से उसके साथ था और कुछ मीडिया वालों ने न्यूज़पेपरों ने उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाली आपको डर नहीं लगता
कि आपके ऊपर भी मुकदमा ठोका जा सकता है क्योंकि आप भी उसी कौम से जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं, क्या पता आपके पास भी अगर अखिलेश जी आ गए तब क्या होगा? तो लेकिन आप क्या पालना चाहेंगे, आप उसकी मदद करना चाहेंगे? देख लीजिए आज भी यूट्यूब वाले बाबा का कैमरामैन वहाँ पे जूम करके दिखा रहे सारस पिंजरे में कैद है, चारों बाजू से जाली है ऊपर नीचे से, लेकिन अंदर से थोड़ा उन लोगों को पानी पीने का नहाने के लिए बनाया गया है स्विमिंग के जैसा, वहाँ पे सारस को रखा गया है, एक नहीं तीन तीन चादर सारस है वहाँ पे। आप मुझे नहीं जानते होंगे शायद, जान गए यूट्यूब वाले बाबा आरिफ के पास भी गए, एक आमिर भी है जो इलाहाबाद के है, जिन्होंने अपना एक सारा और एक ही थाले में भोजन करते थे, लेकिन आरिफ भाई को आज से जुदा कर दिया और मिलने नहीं दे रहे, और वो भी कितना परेशान है वहाँ पे। लेकिन फिर भी देखिए किस तरीके से पॉलिटिक्स गेम खेला गया है, लेकिन फिर भी आप पालने को तैयार हैं उसको, सही कह रहा हूँ मैं? एक इंसान आपको डर नहीं लग रहा है, आपको डर नहीं लग रहा कि आरिफ के साथ जो हो रहा है, जैसे वो तड़प रहा है, उसका सारा दो दिन से बीमार है, पता आपको? पता है नहीं पता? दो दिन से बीमार है, और कल अखिलेश जी के साथ आरिफ भाई आए थे, उनको मिलने भी नहीं दिया गया, और आरिफ के कदम रखते ही टैग चैंपियन सपोर्ट भी दोस्ती करना चाहते उससे, वो देख रहे हैं कि हम मेरे से भी शायद दोस्ती करेगा कि नहीं करेगा, वो देख सकते, वो जानना चाहते हैं। आरिफ भाई का जो सारस था, जो बाइक चलाते थे या खाते थे तो एक ही थाली में सोना भी साथ में, इतने अच्छा प्यार था, लेकिन उन्होंने घर पे लाया उसको, अगर कोई अगर उनको मिल गया होता, हो सकते गलत हाथ में अगर पड़ गया होता सारस का, बुरी हालत भी हो सकता, लेकिन आरिफ भाई ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने लाके बहुत अच्छी तरह से उनको रखा, उनका ख्याल किया, अभी उतना अच्छा दोस्ती वो भी बचपन में लाके नहीं रखे थे, बड़ा सारस उनको मिला था, पैर टूटा हुआ भाई का चैनल हमने बनाया, पैसा भी कमा रहे थे, लेकिन आज देखिए उनके साथ कितनी गलत काम गलत तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। चलिए ठीक है, सारस लिया गया, ठीक है, लेकिन वहाँ पे और इसके बाद उनके ऊपर मुकदमा, इस तरीके की धाराएं लग रही हैं, ये कितने हद तक सही करके रखा गया है वहाँ पे, आप बताएंगे सर? ये तो सही नहीं है, पर आरिफ भाई जैसे खेत में सारस बैठा हुआ हम मिला था, आरिफ भाई लाए थे, उसकी पट्टी सब किए थे, वो नहीं, उस वक्त आपको क्या लगता है उस वक्त वन विभाग कहाँ था भाई साहब, आप बताइए? वहाँ पे टैग चैंपियन सपोर्ट के जो कैमरामैन जो है भाई, उन्होंने जूम करके दिखा रहे, वो भी कॉम्पीज है कि ये सारस है कि दूसरा सारस कॉम्पीज हो रहे, जूम करके दिखाइएगा थोड़ा सा, हमारे कैमरामैन ये जो बात कर रहे थे, लेकिन वो सारस नहीं है, दूसरा सारस ये अभी पिंजरे में कैद है, आप समझ सकते हैं, इनको थोड़ा सा नीचे दिखाइएगा, जो पैर टूटा था सारस का आप देख सकते हैं, ये अभी इसके पैर दोनों सही है, दोनों पैर सही है, अब समझिए कि आरिफ का सारस इस तरीके से कैद तो नहीं रहा था ना, वो आरिफ के साथ अभी तक आरिफ वाला सारस उनको मिला नहीं है, और आज उसको मिलने नहीं दिया जा रहा, जो रात दिन उसके साथ सोता था उसको अपने थाली में भोजन कराता था, मोर भी है दोस्तों, आज उसको मिलने नहीं दिया जा रहा, तो आप लोगों क्या राय? चलिए आगे और देखते हैं कहां पर, कोशिश करते हैं कि जो ओरिजिनल है सारस उससे मिलाने की कोशिश करते हैं। हां भैया आ गए हम, यही वो जगह है जहां सारस को रखा गया है, यहां एक सारस नहीं है, देखिए एक दो तीन और भी हैं, कोशिश करते हैं आपको वो सारस मिलाने की जो आरिफ के पास था। वैसे यहाँ पर बहुत अभी सारे सारस हैं, अभी सपोर्ट जी को यूट्यूब वाले बाबा को पंछी वहाँ पे सारस पंछी नहीं मिला, क्योंकि दो दिन से खाना भी नहीं खा रहा है, सारस बीमार है, तो वहाँ पे डॉक्टर लोग ने उसका ट्रीटमेंट चालू है, वो मतलब वो जहाँ पे उसको रखा गया था जीव में वहाँ पे नहीं है, शायद अभी कौन से जगह में आगे नहीं कर रहा, तो मैं आपको बता दूं ये वही जगह जहां पर रखा गया था पहले, लेकिन अब उसकी दो दिन से तबीयत खराब हो चुकी है, तो देखिए दोस्तों यहां से और यूट्यूब वाले बाबा को विभाग का राष्ट्रीय पंछी वहां पे नहीं मिला, ना अखिलेश यादव को ना आरिफ को वहाँ पे मिलने नहीं दिया, और टैग चैंपियन सपोर्ट बोल रहे हैं कि उन लोगों को इतने बड़े बड़े उन लोगों को नहीं मिले तो मुझे क्यों मिलने देंगे, ऐसा बता रहे करते हैं, शायद ओरिजिनल सारस मिल जाए, है ना? पैर देखिए यही तो नहीं है आरिफ का सारस। दोस्तों आपको तो पता ही चला होगा, क्योंकि टैग चैंपियन सपोर्ट को भी राष्ट्रीय पंछी नहीं मिला, उन्होंने जीव में नहीं रखा, कुछ खाना नहीं खाने की वजह से उन लोगों का डॉक्टरी ट्रीटमेंट चालू है, शायद न अखिलेश यादव जी और न उनको भी नहीं मिलने दिया आरिफ भाई को, तो टैग चैंपियन सपोर्ट को भी नहीं मिलने दिया, तो वहाँ पंछी भी नहीं है, कहाँ पर रखा उनको भी पता नहीं है, अगर कोई पता चलेगा तो मैं उस बारे में वीडियो बनाऊँगा, आप लोग फुल सपोर्ट करना। दोस्तों ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में तो सब्सक्राइब करें। मैं जाने से पहले आपको यहाँ के सारा व्यू एक बार दिखा देता हूँ।